नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो मैंने किया है ये लुक जो कि है ग्रीन स्मोकी आईज विद ट्रेडिशनल। आई हैव मिक्स दिस ग्रीन स्मोकी आई विद अ ट्रेडिशनल लुक। आई वांटेड टू कीप माय फेस लुक फ्रेश एंड नेचुरल विद दिस ग्रीन स्मोकी आई एंड आई डिड दिस ग्रीन स्पार्कली स्मोकी आई विद अ फ्रेश एंड नेचुरल बेस। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस लुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। For this look, I'm using this LA Girl Pro Concealer in the shade Medium Beige to conceal my under eyes. So I'm concealing wherever I have dark areas, like on my forehead, around my mouth, and under my eyes. Now I'm just dabbing it in the concealer. So I'm just dabbing my concealer. I'm not rubbing it off, just to set that. Concealer लगाने के बाद concealer को set करने के लिए मैं use करूँगी L'Oreal True Match Mattifying Loose Powder. बेस सेट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ये फॉर एवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन इन द शेड 14। सो ऑन दिस मेकअप प्लेट आई विल जस्ट टेक अ ड्रॉप एंड मैं ये कलबार सेलर ड्राई ऑयल अपने फाउंडेशन में मिक्स करूँगी। तो आई विल जस्ट टेक अ ड्रॉप आई मिक्स दिस। So I'm making little dots so that I don't apply too much. अब मैं इसे blend कर लूँगी। फाउंडेशन के बाद मैं यूज करूंगी L'Oreal ग्लैम ब्रॉन्ज। आई यूज दिस फॉर कॉन्टोरिंग और कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज करूंगी एंगुलर शेप ब्रश। सो इट्स अ कॉन्टोरिंग ब्रश। कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज करूंगी NYX3 स्टेप्स टू स्कल्प पैलेट इन द शेड मीडियम। कॉन्टोरिंग के बाद मैं यूज करूंगी ये ब्लश, ये कलबा चिकलेशियस ब्लश इन द शेड 011 ब्रॉन्जिंग ग्लेज।
हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन मास्टर क्रोम ब्लश इन द मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड। So my face is done, now it's time for the eyes. So conclusion, eyes start करने से पहले मैं अपने ब्रोज करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये Faces Canada Ultimate Pro Eyebrow Pencil। तो पहले मैं स्पूली से अपने आईब्रोज कॉम करूँगी, उसके बाद पेंसिल वाली साइड से मैं अपने आईब्रोज फिल करूँगी। आईब्रोज फिल करने के बाद मैं वापस से स्पूली से कॉम करूंगी। जस्ट टू टेक आउट द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट विच इज लेफ्ट। अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं यूज करूंगी ये नायका ग्लैमर आईज इन द शेड जेड जिंक्स 03। तो ये ग्रीन पेंसिल है, तो मैं इसे अपने आई बेस के लिए यूज करूंगी। बेस लगाने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगी। मैं सेम चीज अपनी दूसरी आईज में करूंगी। मैं बेस के लिए ये पेंसिल यूज करूंगी। आई बेस ब्लेंड करने के बाद मैं इसके ऊपर ग्लिटर शैडो, ग्रीन ग्लिटर शैडो का यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये फॉरएवर 52 का मैग्निफिसेंट आई शैडो पैलेट इन द शेड 003। सेम ग्रीन पेंसिल मैं अपने लोअर लैश लाइन पे यूज करूंगी।
स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। अंडर द आईज में यूज करूंगी ये न्यूड पेंसिल। सो माय आई मेकअप इज कंप्लीट टू फिनिश माय आईज। अपने लैशेस को कर्ल करूंगी विद दिस आईलैश कर्लर। कर्ल करने के बाद मैं यूज करूंगी ये मेबलिन हाइपर कर्ल इन वॉल्यूम मस्कारा। मेरा आई मेकअप फिनिश हो चुका है। नाउ कमिंग बैक टू द लिप्स। मेरा फेस, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने लिप्स करूंगी। लिप्स के लिए मैं यूज करूंगी एक कलरबार लिप लाइनर लिप डिफाइनर पेंसिल इन द शेड चॉकलेट ब्राउन। Lips, I'm using this Studio West Disco Diva. मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अपना बेस सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी NYX Matte Setting Spray। To complete the look, I'm gonna put this earring on. So this is the complete look. My makeup is done. I put on the earrings and my look is complete. I hope you guys like it. If you do, don't forget to give it a thumbs up, click on the subscribe button and share it with your friends. And click on the notification bell so that you can get the notification whenever I upload my next video. So don't forget to comment below if you want to see any other look. Thank you guys for watching.